अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड चैनल फूड ट्विस्ट। आज हम बना रहे मटन निहारी। यहाँ पर मैं यूज़ करी 1.5 केजी मटन का गोश्त, 1 कप तेल, 1 पैकेट निहारी लजीजा मिक्स। ऑयल मैंने गर्म रख दिया, तो मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो अगर आप ऐसे बनाए तो तकरीबन 4 घंटे के लिए लो आंच पर पकाएं। अभी मीट डालें, मीट को 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लें। पाँच मिनट हो गए, मीट का कलर भी चेंज हो गया। तो अभी इसमें पूरी पैकेट में डाल रही हूँ ये मसाला। तो अभी इसकी भी अच्छी सी बुनाई कर लें। मसाले की बुनाई हो गई है, 4 मिनट के लिए मैंने इसे भूना। तो अभी इसमें 6 कप पानी डालेंगे। ये बॉयल पर आ जाए तो मैं इसको तकरीबन 40 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी। बॉयल पर आ गए तो चले अभी इसको कवर करके पकाते हैं। 40 मिनट के बाद मीट माशाल्लाह से बिल्कुल गल गया। तो अभी इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है कढ़ाई में। ये देखें माशाल्लाह से, देखें अच्छा सा पक के। तो अभी ये पानी थोड़ा सा ड्राई करेंगे लो आंच पर कवर करके। आधा घंटा हो गया लो आंच पर पकाते हुए, माशाल्लाह से देखो पानी कम हो गया। यहाँ पर मैंने 6 टेबलस्पून आटा लिया, 1 कप पानी लिया, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अभी ये निहारी में डालेंगे। इसको तब तक पकाना है जब तक ये जब तक ये थोड़ी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। माशाल्लाह से देखें ये थिक होगी ग्रेवी। तो अभी इसका गैस ऑफ करते हैं। तो इसका प्याज का तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 कप ऑयल, 1 प्याज बड़े साइज का मैं यूज़ कर रही हूँ। प्याज को ब्राउन करना है। प्याज गोल्डन हो गए तो अभी इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली डालेंगे। इसको भी 1 मिनट के लिए पका लें। तड़का रेडी हो गया तो अभी लगाते हैं। निहारी हमारी माशा से रेडी हो गई है। तो अभी डिश ऐड करके तो आपको दिखाते हैं। निहारी मैंने डिश ऐड कर ली, इसके साथ मैं नान सर्व कर रही हूँ। तो अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो अगर आपको ये मेरे नान की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ लीव मी योर कमेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।